खबर उत्तरकाशी से है, जहां लंबे समय से मांगों के निराकरण को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़क पर उतर गयी। बता दें कि बुधवार को आंगनबाड़ी संगठन के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने उत्तरकाशी में जुलूस प्रदर्शन किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस दौरान मांगे जल्द पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को 8 सूत्रीय मांग पत्र भेजा। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। क्योंकि हम लोग इतना काम करते हैं धरातल से लेकर के, और ऐसा कोई काम नहीं है मेरे हिसाब से भारत सरकार में जो विकास कार्य में हमारा हाथ नहीं है, जिस काम को हम नहीं करते धरातल पे। लेकिन हमारे मांगे कुछ नहीं रखा गया है, उसमें है 9000 हम लोगों को मिलता है, और ऑनलाइन जो हाजिरी जाती है, जब हमारा नेटवर्क नहीं रहता किसी कारणवश नेटवर्क से हाजिरी नहीं जा पाते तो उसमें भी हमारा मांगे काट दिया जाता है, और जो हम लोगों को THR मिलता है कंट्रोल की दुकान से, उसका भी भाड़ा समय पे हम लोगों को नहीं मिलता है। हम लोगों को मामूली से फ़ोन पकड़ाए गए थे जो कब के ख़राब हो चुके हैं, लेकिन फिर हमें डराया जाता है कि नहीं पोषण ट्रैक करके हाजिरी लगाओ और रिपोर्ट दो। जो हम समय पे अगर नहीं दे पाते हैं नेटवर्क के कारण, तो हमारा मानदेय कट रहा है, इसलिए हमारा जो समय पे भाड़ा आना चाहिए 18000 हमारा मानदेय है, मानदेय की मांग है कि 18000 हमें।